हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक और ट्रैवलिंग चैलेंज लेके आने वाला हूँ गाइस, मजेदार चैलेंज लेके आने वाला हूँ। एक और ट्रैवलिंग चैलेंज, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब जाने वाले हैं, सब कल बताऊंगा गाइस। ये एक बैग भर के रेडी कर दिया, ये दूसरा बैग भर के रेडी कर दिया, ठूस ठूस के सामान भरा है गाइस। ये डेंटल और ये सेविंग किट, आने के लिए जगह नहीं बचा है, कुछ जुगाड़ करेंगे कल ब्रश करने के बाद, नहाने के बाद। बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। ये जो दूसरा चैलेंज हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो खतरनाक ट्रैवलिंग चैलेंज होगा गाइस, खतरनाक, इससे भी खतरनाक। बने रहिए, कल सुबह कनेक्ट करूंगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए 5:19, 5:19 हुए हैं और 6 नवंबर है। हम अभी बाड़मेर से जोधपुर जा रहे हैं बाय बस 200 किलोमीटर। फिर आगे बताते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। वो हमारी बस खड़ी है, उसी में बैठ के हम अभी जा रहे हैं जोधपुर, बाड़मेर से जोधपुर। और बीच में पचपतरा करके एक गांव है, वहां पे हमने होल्ड किया है चाय पानी नाश्ते के लिए, रामदेव होटल एंड रेस्टोरेंट। वो बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस, बने रहिएगा। ये है होटल। अगेन एक बार फिर से ट्रैवलिंग चैलेंज पार्ट 2 लेके आए हैं गाइस। आज 6 तारीख है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने दिन हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 दिन। ओ हो, 6 दिन में 5 अलग अलग राज्य, 5 अलग अलग स्टेट, जिसमें से समझ लो 4 स्टेट है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे जाने का इरादा है। और बहुत ही बड़े बड़े सिटी में इंडिया के कम से कम मेरे को 6 से 7 अलग अलग सिटी भी कवर करने हैं उसमें, तभी जाके ये चैलेंज कंप्लीट होगा। और वहाँ का खाना खाना है, कुछ शॉपिंग करना है, वहाँ के चीज़ों के बारे में जानना है। तो ऐसा कुछ चैलेंज लिया है गाइस, बने रहेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम अभी निकले हैं बाड़मेर से जोधपुर के लिए गाइस, हम जा रहे हैं जोधपुर। जोधपुर में जाके हम आपको मज़े कराएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बने रहेगा गाइस। ठंडी इतनी बढ़ गई ना गाइस राजस्थान में, देखो थर्मल पहनना पड़ा। सुबह सुबह तो हालत खराब हो गई थी, इतनी ठंडी थी गाइस। अभी भी शरीर कांप रहा है, इतनी ठंडी है, क्या बताऊं आपको। सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और ये देखिए 15 AD, जोधपुर की 15 AD में खड़े हैं। 10:16 हुई है और सामने ही है जिप्सी रेस्टोरेंट। ये देखिए ये जिप्सी रेस्टोरेंट। तो बाड़मेर से निकले थे हम और जोधपुर आ गए हैं, और हम जोधपुर में 1 घंटा ही रुकने वाले हैं गाइस, क्योंकि हमारा आगे का फ्लाइट है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सब एयरपोर्ट पे जाके बताऊंगा, अभी नहीं। तो ये 15 AD जिसका खाना हमें बहुत पसंद है गाइस, और हम अभी जा रहे हैं जोधपुर की सबसे फेमस जिप्सी में। ये देखिए पानी पूरी टेस्ट करने के लिए। ये देखिए गाइस हमारी पानी पूरी आ गई है, वाव।
मेरे को बोला कहाँ से लेके आया, मैं कहा गाइस देखिए जोधपुर में घूम रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है ऑटो में। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश भाई। ये देखो रमेश भाई हमारे रेगुलर ऑटो वाले हैं, हम कभी भी जोधपुर आते हैं ना गाइस रमेश भाई के साथ ही घूमते हैं, हम मेहरानगंज फोर्ट पूरा उनके साथ घूमे थे। और अभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना वो मंदिर पूरा ले लो ना रामदेव जी का, हाँ एक दर्शन कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हम ब्लू सिटी घूमने वाले हैं रमेश भाई के साथ, तो बने रहे गाइस। जोधपुर में बहुत ही मजा आ रहा है, आज हमारा पहला दिन है ट्रैवलिंग चैलेंज का और हम 15-20 मिनट में अभी हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है गाइस, क्योंकि हमारा एक और फ्लाइट है यहाँ से जो कहीं और है। वो कहाँ है मैं उधर जाके ही बताऊंगा आपको, जैसा कि मैंने बताया था जिप्सी में जाके पानी पूरी और पापड़ी चाट खा के आए हैं गाइस, बहुत ही मजा आया। और हम अभी जा रहे हैं मंदिर। जय बाबेरी, बाबा रामदेव जी की जय हो, जय हो, जय जय हो। गाइस लेट हो रहा है, एयरपोर्ट जाना है जल्दी। जोधपुर का पोलो ग्राउंड, जोधपुर में हम तीन तीन जगह घूम के आ गए हैं गाइस। ये देखिए पोलो ग्राउंड, जोधपुर एयरपोर्ट। गाइस जोधपुर एयरपोर्ट पे हम आ गए हैं, फाइनली बोर्डिंग पास आ गया है हमारे पास। हम दिल्ली जा रहे हैं गाइस, जोधपुर से दिल्ली जा रहे हैं, सुबह बाड़मेर से निकले थे। इतनी बढ़िया कैफे है रॉयल बाइट्स, और यहाँ पे कपड़े और पर्स लेने हैं तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं गाइस एयरपोर्ट पे। और ये गाइस स्नैक्स बार जो राजकोट में भी दिखा था, बहुत बढ़िया कचौरी और मिर्ची वड़ा वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। ये देखे गाइस जोधपुर एयरपोर्ट पे ये कैट मिली है जो खाना खा रही है। क्या खा रही है? ये चूरमा। वाह देखो चूरमा खा रही है, वाह कितने भले लोग हैं एयरपोर्ट पे, देखिए चूरमा खिला रहे उसको। ये देखिए गाइस एयरपोर्ट का स्टाफ बहुत ही अच्छा है, चूरमा खाने को मिल रहा है कैट को। सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट हो गया है, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, बाद में वापस कनेक्ट करते हैं गाइस। जोधपुर एयरपोर्ट पे छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे गाइस। चतुर्भुज के गुलाब जामुन, बस में बैठ गए हैं गाइस फ्लाइट में जाने के लिए। बस से उतर के फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए कैमरा का एंगल ऐसे रखा है गाइस। ये एक आर्मी का एयरपोर्ट है, बने रहिए। Oh my God, लास्ट वाली सीट हमारी है। गाइस दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हो गए हैं और हवा में इतना पॉल्यूशन है गाइस क्या बताऊं मैं आपको, श्वास लेना भी मुश्किल हो पा रहा है, पता नहीं यहाँ के लोग जिंदा कैसे रहते होंगे। गाइज ये हमारे सीनियर मैनेजर है जिसके साथ हम अभी गुड़गांव आए हुए हैं, संजीव सर नाम है, जोधपुर के हैं। हमेशा कुछ ना कुछ मिठाई लेके आते हैं जोधपुर से, चतुर्भुज के गुलाब जामुन, 1580 में से बिस्किट, कुकीज और घेवर, रबड़ी वाले घेवर। और सर कैसे बढ़िया, बने रहिए इनके साथ, अभी दो दिन दिल्ली घूमना है, बहुत मजा कराएंगे। बस से निकल गए हैं गाइस और एयरपोर्ट के बाहर पहुंचते ही सबसे पहला काम मास्क लेना पड़ेगा गाइस, इतना पॉल्यूशन, ओ माय गॉड, सबसे पहले मास्क लेना पड़ेगा। फाइनली गाइस दिल्ली एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं और हमारे लगेज का वेट कर रहे हैं और ड्राइवर
फोन पे फोन कर रहा है, सर कब का आ गया हूँ, आपकी फ्लाइट नहीं आई, लेकिन हमारी फ्लाइट ऑलमोस्ट आधा घंटा जैसी लेट थी। तो बने रहे गाइस, बहुत ही मजा कराएंगे दिल्ली में, बहुत ही शॉपिंग करनी है। बाय बाय। एयरपोर्ट तो बहुत ही क्लीन है गाइस, ये देखिए बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट है, लेकिन सिर्फ वातावरण में पॉल्यूशन ज्यादा है। सिटी बस पिकअप, तो गाइस हमारी कार जो है वो हमें लेने आ रही है, लेकिन मेरे को बार 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 एक ही सवाल जो मेरे दिमाग में मंडरा रहा है गाइस, पॉल्यूशन तो देखे कुछ चीजें दिख नहीं रही है गाइस, इतना पॉल्यूशन है, लेवल इतना पॉल्यूशन का बढ़ा हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल लो है। और सबसे पहला काम मैं अभी मास्क लेने का करूंगा गाइस, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इतने पॉल्यूशन में कैसे लोग जी रहे हैं गाइस, यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है दिल्ली में। भैया आपका नाम क्या है? अनूप कुमार जी। अनूप कुमार जी हमें लेने आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट में, थैंक यू भैया। पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, खांसी चालू हो गई है वापस। गाइस फाइनली हम रूम पे पहुंच गए हैं और अभी फ्रेश होके व्लॉग बनाएंगे, रूम बताएंगे और रूम के बाहर क्या है वो भी बताएंगे। गाइस बने रहिए, बस देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए गाइस, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ गाइस, बाय।